ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल किलाबाजार में तेरे। नमस्कार, बोल किला बाजार है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों, 100 करोड़, क्या वो आंकड़ा है ये जिसके जरिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के 4 विधायकों पर निशाना साधा गया? क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है दोस्तों, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो तमाम नेता जो हैं, वो तमाम जो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। और हैदराबाद की पुलिस ये आरोप लगा रही है कि 50 करोड़ से 100 करोड़ की जो है पेशकश की गई थी एक फार्म हाउस के अंतर्गत, ताकि ये तमाम जो विधायक हैं वो TRS छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है, मगर हम नहीं भूल सकते कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में किस तरह से साम दाम दंड भेद में सरकार ही पलट गई। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा उन लोगों से जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं भाजपा के सांसद जी कृष्ण रेड्डी के साथ ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम है नंद कुमार। नंद कुमार पेशे से एक बिजनेसमैन है और हैदराबाद में ये बेस्ड हैं। पुलिस ने, साइबराबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अब दूसरे चेहरे पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये है सतीश शर्मा, ये फरीदाबाद के एक पुरोहित हैं। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सतीश शर्मा जो हैं वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरे चेहरे पर आते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये पीठाधीश हैं, वो भी कहां, तिरुपति मंदिर में दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं डी सिम्या जी, जो कि एक पीठाधीश हैं तिरुपति में, वो दिखाई दे रहे हैं राजनाथ सिंह के साथ। ये तीनों राजनेता नहीं हैं, मगर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी डील जो है 50 से 100 करोड़ के बीच में हुई, और ये दावा कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद पुलिस कर रही है। सबसे बड़ा प्रश्न, हम ये नहीं भूल सकते कि महाराष्ट्र का क्या इतिहास था। एक सरकार चल रही थी, मगर फिर सामदान दंड भेद से ईडी का इस्तेमाल करके, यानी प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल के, पूरी सरकार ही पलट जाती है। 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ यहां आ जाते हैं और नतीजा आपके सामने है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आखिर वो कौन से 4 विधायक हैं जिन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही थी। ये पूरी की पूरी डील होती है रोहित रेड्डी, जो कि टेंडूर से विधायक हैं, उनके फार्म हाउस में। और ये कौन से नाम हैं जिन्हें रिश्वत की पेशकश की गई, एक एक करके वे नाम आपके स्क्रीन्स पर आ रहे हैं। पहला नाम है जी बालराजू, दूसरा नाम हर्ष वर्धन रेड्डी, तीसरा नाम आर के राव, और ये जो पूरी डील हुई वो रोहित रेड्डी के फार्म हाउस में होती है। रोहित रेड्डी, ये 4 नाम है दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर इन नामों को देखिए। इन्हें 50 से 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। बड़ा प्रश्न ये कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री KCR की सोची समझी साजिश है, मगर क्या बीजेपी अपने इतिहास को नकार सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि तेलंगाना का ही एक पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक, यहां पर सरकार चल रही थी जनता दल और कांग्रेस की, सामने ढेरों ऐसे ऑडियो, ऐसे वीडियोस आए जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बात कर रहे थे कांग्रेस के विधायकों से कि आप आ जाइए, मैं आपको इतने करोड़ रुपए दे दूंगा। खुलेआम इस तरह के ऑडियो वीडियोस आए थे। मैं सीधे आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर इसी तरह से कांग्रेस की किसी सरकार ने या विपक्ष की किसी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को खरीदने की कोशिश की होती, तो तमाम जो मीडिया के गुल्लू कालू और पापा की परियां, यानी गोदी मीडिया, इस पर प्राइम टाइम में जोरदार डिबेट्स करते। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी खबर है, इस पर खामोशी क्यों बनी हुई है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है इस पे? बीजेपी का कहना है कि अभी कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बौखलाहट है।
उनका यह कहना है कि चूंकि चुनाव में केसीआर हारने वाले हैं, इस तरह के इसलिए इस तरह का प्रपंच किया जा रहा है। सीधा सा सवाल, इतिहास है, हम उस इतिहास को नहीं भूल सकते। मगर उससे भी बड़ा सवाल, मामला 100 करोड़ के आरोप का है, मामला सिर्फ एक राजनीतिक आरोप का नहीं है। हैदराबाद पुलिस ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अगर सामने ऑडियो वीडियो आ जाता है, यानी कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आ जाता है, तब आखिर क्या कहा जाएगा? तब भी क्या आप इसी तरह से खामोश बने रहेंगे? तब भी क्या मीडिया भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल नहीं पूछेगी कि यह कैसी भूख है कि चुनी हुई सरकार को इस तरह से गिराने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी पलटवार करते हुए कह रही है कि केसीआर की सरकार तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, उन्हें गिराना नामुमकिन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनके पास जो संख्या का गणित है वो जोरदार है, उन्हें कोई नहीं छू सकता। मगर यह ना भूलें कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। मगर शुभेंदु अधिकारी आज से कुछ महीनों पहले किससे मुलाकात करते हैं? गृह मंत्री अमित शाह से, और वो करीब 150 विधायकों की लिस्ट उन्हें सौंपते हैं। मकसद क्या है कि इनकम टैक्स के जरिए, ईडी के जरिए, तमाम जांच एजेंसीज के जरिए दबाव डाला जाए टीएमसी के विधायकों पर, ताकि वो पाला छोड़कर बीजेपी आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद को पार कर सकती है। आज मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र के पूरे ऑपरेशन को हमने देखा दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से विधायकों को पहले मुंबई से ले जाया गया गुजरात, गुजरात में वो लोग कुछ दिन रहे और फिर वहां से वो आए असम। ये ना भूलें कि झारखंड के भी 3 विधायक पकड़े जाते हैं, और उसमें एक विधायक ने आरोप भी लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खरीद फरोख्त में एक अहम किरदार निभा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर लेन देन की जो बात होती है वो 50 करोड़ से 100 करोड़ की होती है। यही आरोप आम आदमी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी लगाया, आम आदमी पार्टी ने भी लगाया। पैसे का आदान प्रदान भी कई जगहों पर हुआ है। सीधा सा सवाल, यह पैसा कहां से आ रहा है? आज मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि यह सवाल वो खुद से पूछें, और भारतीय जनता पार्टी से भी सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स के जरिए यह सवाल पूछा जाए कि जो 100 करोड़ है जिसकी पेशकश की बात हैदराबाद पुलिस कर रही है, वो आखिर आ कहां से रहा है? इसका जवाब है मेरे पास, और वो जवाब दो तरफा है। सबसे पहले यह ना भूलें कि भारतीय जनता पार्टी देश की तो निर्विवादित सबसे धनी पार्टी है ही, मगर दुनिया की सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा रिच पॉलिटिकल पार्टीज में गिनती शुमार होती है उसकी। यह ना भूलें, कुछ महीनों पहले स्वर्गीय अरुण जेटली, कुछ सालों पहले स्वर्गीय अरुण जेटली एक सौगात लेकर आए थे जिसका नाम था सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदा। यानी कोई भी धन्ना सेठ, कोई भी बिजनेस हाउस अपना काला पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दान कर सकता था, और किसी को पता नहीं चलता कि किसने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। एक पड़ताल से पता चला था कि ये जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जेब में जाता है। अब क्या आपके उस सवाल का जवाब मिल गया कि ये करोड़ों रुपए आ कहां से रहा है? क्योंकि वो जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, जिस पर आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और खुद चुनाव आयोग दोनों ने आपत्ति दर्ज की थी, और दोनों ने एक ही बात कही थी कि अगर सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स वजूद में आ गए तो इससे चुनाव बराबरी का मुकाबला नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी है सारा चंदा उसको चला जाएगा। क्योंकि जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी की एजेंसीज है उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा बिजनेसमैन किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। इसका परिणाम क्या होगा कि ईडी और इनकम टैक्स उसे परेशान करना शुरू कर देंगे। ऐसे में
कोई भी बिजनेसमैन विपक्ष को पैसा नहीं देगा। पैसा किसके पास जाएगा? पैसा जाएगा बीजेपी के पास। और जब इतना पैसा बीजेपी के पास जाएगा तो 50 करोड़ और 100 करोड़ की क्या औकात है। अब दूसरी बात, पीएम केयर्स फंड। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि पीएम केयर्स फंड जिसका गठन कोरोना के दौरान हुआ था उसका पैसा जो है वो खरीद फरोख में इस्तेमाल हो रहा है। मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं, मैं दावा कुछ और कर रहा हूं। पीएम केयर्स फंड जो है वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आता, जबकि पीएम केयर्स फंड एक सरकारी फंड है। कायदे से ये पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कितना जमा हो रहा है, ये सब आरटीआई के अंतर्गत आना चाहिए। ये तमाम पैसा एक अंधे कुएं में जा रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब इस पैसे का कहां कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है? मोदी सरकार की है, मगर उसकी जवाबदेही पर कोई मीडिया सवाल नहीं करता। वही मीडिया जिसे तेलंगाना में जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर सवाल करना चाहिए था, मगर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। मगर मेरे कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे, और आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से हैदराबाद पुलिस ने दावा किया है कि कम इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। फिर से इन चेहरों को देखिए जो बीजेपी के नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तीनों चेहरे हैं इनके बारे में हैदराबाद पुलिस से दावा कर रही है कि एक विधायक के फार्म हाउस में इन्होंने 50 से 100 करोड़ की पेशकश की 4 टीआरएस के विधायकों को ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। अगर ये हकीकत है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।